दोस्तों अक्सर हमें अपने लिए या फिर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के लिए रेल टिकट को बुक करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन से ही रेल टिकट को बुक कर पाओगे। इसके लिए आपको कहीं पर भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो रेल टिकट को अगर आपको बुक करना है तो सबसे पहले तो आप सभी को IRCTC रेल कनेक्ट, ये जो एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसको आप सभी को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को रेल के अलावा कई सारी अन्य सर्विसेज भी देखने को मिल जाती हैं, जहां पर हमें ट्रेन से रिलेटेड जितने भी काम है तो ट्रेन की जो टैब दी गई है उस पर हमें क्लिक करना है। यहां से हम एक नया टिकट बुक कर सकते हैं। अपने जितने भी बुकिंग किए हैं हमने वो सारे टिकट हम माई बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर PNR का जो करंट स्टेटस है आप देख सकते हो, अपकमिंग जर्नी यहां से आप देख सकते हो, टिकट को अगर आपको कैंसिल करना है या फिर चार्ट वैकेंसी का भी ऑप्शन यहां पर दे दिया गया है, जहां पर जितनी भी सीट खाली है वो आप ट्रेन के अंदर यहां से चेक कर सकते हो, ट्रेन की जो लाइव लोकेशन है वो भी आप यहां से ट्रैक कर सकते हो। तो सारे ही ऑप्शन मैं आपको वन बाय वन यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमें एक नया टिकट अगर बुक करना है तो बुक टिकट का जो ऑप्शन दिया गया है जिसपे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें कहां से सफर करना है, तो यहां पर हमें फ्रॉम के सेक्शन में वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां से हम सफर करने वाले हैं। तो यहां पर हम स्टेशन का जो नेम है यहां पर ब्राउज भी कर सकते हैं, इसके अलावा खुद से ही टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहां पर लखनऊ टाइप कर दिए हैं, देन हमें वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां के लिए हम जर्नी कर रहे हैं। तो टू के सेक्शन में आते हैं, हम न्यू दिल्ली यहां पर टाइप कर देते हैं। तो जो डिपार्चर और अराइवल जो स्टेशन है वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। अगला ऑप्शन यहां पर हमें मिलता है क्लास का, जिसमें कि अभी ऑल क्लास सेलेक्ट है। इस टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर ट्रेन के अंदर जिस तरीके की सीट्स होती हैं वो यहां पर आप सिलेक्शन कर सकते हो, कैसा आपको टिकट बुक करना है। अगर आप फर्स्ट एसी के अंदर टिकट बुक करना चाहते हो या सेकंड एसी, थर्ड एसी, यहां पर आप चूज करोगे। स्लीपर क्लास के अंदर अगर आपको टिकट बुक करना है तो स्लीपर का SL का जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहां से स्लीपर आप बुक कर पाओगे। बाकी चेयर कार आपको बुक करना है, सीटिंग की जो है यहां पर जो सीट्स हैं उनको बुक करना है, तो यहां से आप अपनी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो जैसी भी सीट आप चाहते हो। इसके अलावा यहां पर कोटा का सेक्शन दिखता है, जिसमें कि पहले से जनरल सेलेक्ट है कि अगर आप एक लेडीज हो या फिर कोई भी विकलांग पर्सन है, डिसेबल पर्सन है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो तत्काल रेल टिकट को बुक कर रहा है, तो यहां पर वो जो ऑप्शन है आपको दिख जाएगा, यहां से आप तत्काल सेलेक्ट करके बुक भी कर सकते हो। तो अभी हम जनरल कोटा के सेक्शन में देखना चाहते हैं। अब अगला ऑप्शन यहां पर मिलता है डिपार्चर डेट का। अब यहां पर आपको कुछ सजेस्टेड डेट भी दिखाए गए जो कि दो तीन दिन आगे आपको देख सकते हो कि अगर आप इस डेट में जर्नी करने वाले हो तो डायरेक्टली यहां पर आप वो डेट सेलेक्ट कर सकते हो। कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो डेट आप सेलेक्ट कर लोगे जिस डेट को आपको यात्रा करनी है। ये डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे। हम चाहें तो डायरेक्टली सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से सर्च भी कर सकते हैं। बाकी कई सारे और भी महत्वपूर्ण यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो ऑप्शन है उन लोगों के काफी काम आने वाला है जो कि अपनी जर्नी के जो डेट है उसको लेकर के फ्लेक्सिबल है। आपने जिस डेट को सेलेक्ट किया है इसके अलावा आगे पीछे जो भी डेट्स हैं उनमें भी जो टिकट अवेलेबिलिटी है आपको दिख जाएगी। इसी के साथ में ट्रेन अवेलेबिलिटी विद बर्थ, ये जो ऑप्शन है जिनमें अवेलेबल होगा वही आपको दिखाएगा, और सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई सारी ट्रेन्स के नेम आ चुके हैं, जहां पर उनका जो डिपार्चर टाइम है यहां पर आपको दिखाया गया है, वो जो ट्रेन है कितने घंटे के अंदर आपकी यात्रा कंप्लीट कराने वाली है आपको दिखाया गया है, कितने बजे आप अराइवल होगे उस स्टेशन पे आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब यहां पर सारी ही ट्रेन्स में से जो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन है उसको आपको अगर चेक करना है, उसमें अवेलेबिलिटी आपको देखना है तो यहां पर आप रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी को उस ट्रेन में अवेलेबिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आप देखोगे कि स्लीपर क्लास के अंदर कितने टिकट अवेलेबल हैं, इसी के साथ में थर्ड एसी के सेक्शन में कितने टिकट अवेलेबल हैं। आप यहां पर क्लिक करके टिकट को देख सकते हो। अब यहां पर जैसे ही हमने स्लीपर क्लास के टिकट पे क्लिक किया है तो आप यहां पर उसका जो करंट फेयर है, कितना पैसा आपको चार्ज किया जाएगा, वो यहां पर दिखाया गया है, जो कि हम सो ब्रेकअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बेस फेयर कितना लगने वाला है, कितने चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहां पर टोटल 340 रुपीज पर पर्सन आपको देना होगा। यहां पर हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद में पैसेंजर डिटेल का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने लॉगिन का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहां पर आप सभी को अपनी जो IRCTC की यूजर ID पासवर्ड है वो फिल करना होगा। अब यहां पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, आप सभी के पास में IRCTC का जो यूजर ID पासवर्ड है वो नहीं है, रजिस्टर कर सकते हो, खुद से ही क्रिएट कर सकते हो। यहां पर रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने के
लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है उसको आपको फिल करना है, अपने नेम के कुछ अक्षर, इसी के साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी भी क्रिएट करनी होगी। इसी के साथ में अपनी मर्जी का एक पासवर्ड आपको यहाँ पर चूज करना होगा। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। देन यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, नेशनलिटी इंडियन है सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, तो इसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर उसका जो आंसर है हम टाइप कर देंगे। देन आपको ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको सिलेक्शन करना है। अब क्रिएट करने के बाद में हमें जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर फिल करके लॉग इन करना है। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमने लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉग इन करोगे तो यहां पर आपको एक पिन भी सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि इन फ्यूचर आप दोबारा से रिटर्न आते हो तो आपको यहां पर सारी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं, इसी पिन के जरिए आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हो। कि हमारे सामने सेम वैसे ही दोबारा से पेज आ चुका है। अब यहां पर हमें पैसेंजर डिटेल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, जो ट्रेन को सेलेक्ट किया है जो कि यहां पर आनंद विहार तक के लिए जाएगी, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहां पर आप सभी को अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, जिसमें कि ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके वो पैसेंजर जिसको भी ट्रेवल करना है यहाँ पर उसका जो नेम है आप फिल करोगे, एज को इस सेक्शन में आपको एंटर करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको सेलेक्ट करना है, उसकी जो नेशनलिटी है जैसे कि इंडियन है यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है इसको सेलेक्ट रहने देना है। बर्थ प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है, बहुत सारे लोग लोअर बर्थ जो है प्रेफर करते हैं, आप चूज कर सकते हो। इसके बाद में हमें एड पैसेंजर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एक पैसेंजर का जो नेम है वो सक्सेसफुली एड कर लिया है। इसी के साथ में कोई अदर पर्सन है वो अगर साथी में ट्रेवल कर रहा है तो ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम उसी तरीके का दोबारा से पेज आ जाएगा। उसी तरीके से आपको सेकंड पर्सन का जो नेम है वो भी ऐड कर लेना है। अब बच्चे के केस में अगर आपको सीट भी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बच्चे को भी सीट मिल जाए, तो उसका भी फेयर आप पे कर सकते हो। यहाँ पर ऐड इन्फेंट विद बर्थ का ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करके सीट को भी रिजर्व कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन दिखता है, जिसपे अगर आप टिक कर दोगे तो आपकी जो टिकट है वो ऑटो अपग्रेड भी हो सकती है अगर कोई भी अवेलेबिलिटी होती है। इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि ओनली कंफर्म हो तभी हमारा टिकट बुक हो तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। को पेमेंट आप कैसे करने वाले हो, जैसे कि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट रहने देना है। और ट्रेवल इंश्योरेंस तो अगर आप नहीं चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है। अब यहाँ पर इस टिकट को बुक करने के लिए हमें नीचे की तरफ आना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में हमें प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक अलर्ट पेज आएगा जिसमें हमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने पेमेंट गेटवे का जो पेज है वो आ चुका है। अब IRCTC का जो पेमेंट गेटवे है आप यूज कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर पेमेंट फेल हो जाता है, तो यहाँ पर इसके लिए अदर जो ऑप्शन दिए गए जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेजर पे हो गया, इसी के साथ में पेयू, पेटीएम, इन सारे पेमेंट गेटवे के अभी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए किसी भी एक ऑप्शन का आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब हम यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करने वाले हैं यहाँ पर अपना जो कार्ड नंबर है उसको फिल करेंगे, अपना जो नेम है यहाँ पर हमें फिल कर देना है, कार्ड की जो एक्सपायरी है CVV है यहाँ पर आपको फिल करना है, देन ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, पेज जो है ऑटोमेटिक दोबारा से रिडायरेक्ट होगा और आप IRCTC के बुकिंग पेज पर आ जाओगे। आपने जो टिकट अभी बुक किया है उसका जो PNR नंबर है वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, किस डेट की टिकट है यहाँ पर आप देख पाओगे। इसी के साथ में जितने भी पैसेंजर हैं यहाँ पर आपको उनका जो नेम है वो दिखाया गया। जैसे कि आप देखोगे कि हमें D5 के सेक्शन में सीट अलॉट की गई है, यहाँ पर 43 नंबर हमारी विंडो सीट है यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो टिकट है आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर सकते हो। इस टिकट पर आप देखोगे कि आपकी पैसेंजर की पूरी डिटेल्स, किस डेट की जर्नी है, आपका जो सीट नंबर है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसे आप प्रिंट कर सकते हो, वैसे अगर आप चाहो तो डिजिटली अपने फोन में आप इसे सेव करके रख सकते हो, आपकी फिजिकल टिकट की कहीं पर भी नीड नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी लोग रेल टिकट को खुद से ही ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।